please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. खरीदारों से धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार पुणे के फडनिस प्रॉपर्टीज के सहयोगी निर्देशक। सत्र अदालत ने हाल ही में तीनों अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। मंडवा पुलिस ने केशव नगर में एक आवास परियोजना में कथित तौर पर 30 से अधिक खरीदारों से धोखाधड़ी करने के लिए फडनिस प्रॉपर्टीज लिमिटेड के 3 निर्देशकों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके में 100 फीट के भीतर कोई निर्माण नहीं होगा। राज्य के शहरी विकास विभाग के सभी नगर पालिका निगमों और परिषदों को आदेश लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। पूरे राज्य में 100 फीट की तलहटी के भीतर कोई नया निर्माण नहीं होगा। क्षेत्र को एक खुली जगह के रूप में बनाए रखे जाना चाहिए और इसे नो डेवलपमेंट जोन के रूप में आरक्षित करना होगा। बिल्डर्स 4 किस्तों में माड़ा प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। यह अचल संपत्ति क्षेत्र में धन की कमी के चलते है और कई बिल्डरों ने इस कदम का अनुरोध किया है। महाड़ा ने 10 नवंबर को प्रस्ताव पारित किया। बिल्डर अब 4 किस्तों में पुराने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। कोर्ट जाना चाहिए या रेरा, घर खरीदारों को क्या करना चाहिए? उपभोक्ता फोरम पर पहुंचने के लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन रेरा एक ऐसा विशेष अधिनियम है और विशेष रूप से होम बायर्स के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। एक उपभोक्ता को निर्णय अधिकारी से संपर्क करना चाहिए सलाह के लिए। दक्षिण भारत में आवास बाजार में सुधार के संकेत। दक्षिण भारत में आवासीय बाजार देश के अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से गिरावट के साथ बेची गई संपत्ति के साथ उभर रहा है, जो मुख्य रूप से ताजा परियोजनाओं की समिति आपूर्ति को जिम्मेदार ठहराती है।